अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमा इमरान खान साहब के जानसार शहीद ज़िल शाह के घर के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ज़िल शाह को गुसल दिया है, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उसकी बॉडी की कंडीशन कैसी थी, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि उस पर तशद्दुद किया गया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप नेबर हैं उनके या रिलेटिव? नहीं जी, मैं नेबर हूँ जी उनका। तो आप अभी मौजूद थे जब गुसल दिया गया? जी, गुसल मैंने ही दिया है साथ मिलके। तो सर, क्या कंडीशन थी बॉडी की? यार भैया, कंडीशन उसकी इस वक्त ये थी कि उसके सर के ऊपर तकरीबन कोई 27 से 28 ज़रबे हैं उसका। ये साइड लेफ्ट राइट साइड, राइट साइड पे आप अगर उसकी फ़ोटो तस्वीर देखें तो राइट साइड पे उसके डंडों के निशान हैं। अच्छा। और उन्होंने बड़ी कोशिश की रात को कि किसी तरीके से उस निशान को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं सके क्योंकि वो ब्लड अंदर था, वो अंदर जम गया था, तो उसको वो कवर नहीं कर सके, क्लियर नहीं कर सके। देखें, ज़िल शाह वो बंदा था जिसने आज तक कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी। नहीं मारी, ठीक है। जिसने चिड़िया नहीं मारी तो उसको पुलिस ने, वो कोई दहशतगर्द था यार, वो कोई दहशतगर्द था, कोई रॉ का एजेंट था जिसको पकड़ के लेकर गए और जिसको तशद्दुद किया गया। और ये कहते हैं कि हमने तशद्दुद नहीं किया, झूठ बोलते हैं। ये समझते हैं कि इन्होंने जो सुना मरना नहीं है, अल्लाह के सामने ये लोग क्या जवाब देंगे जाके? कौन कहता तशद्दुद नहीं किया? हमने खुद फुटेजेस देखी हैं। वही मैं कह रहा हूँ, फुटेज सामने है, जो फुटेज देख रही है उसको तो कोई बंदा झुठला नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसको जो सर ना, इस पर तशद्दुद नहीं हुआ, इस पर PTI के लोगों ने तशद्दुद किया। और जालिमों, वो तो तस्वीरें निकाल निकाल के PTI के वर्कर्स ने क्या DSP की तस्वीर यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसने आके क्या जाके जब उसने उसको मुक्कों से उसके सर पे मारा है, PTI का वर्कर था DSP, उसने यूनिफॉर्म पहन ली थी। बिल्कुल। या जो पुलिस वाले थे जिन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, क्या वो PTI के वर्कर थे जिनके हाथों में डंडे थे? बिल्कुल। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। PTI के वर्कर्स ने वो प्रिजन वैन में बिठाया था गिरफ्तार करके ले। लेकिन हमें जो हमारा जो मसला है, हमें इस बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ जुल्म हुआ है, पुलिस ने किया है, पुलिस गर्दी हुई है। एक दफ़ा फिर हमारे मुल्क में जंगल का कानून है। हमें कहते हैं हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। कौन सा आज़ाद मुल्क है हमारा? हम कौन से आज़ाद मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से स्ट्राइक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से किसी के सामने बोल नहीं सकते, ये आज़ादी है? कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? TV के ऊपर बैठ के ये भाषण देते हैं इतने बड़े बड़े, इनसे कहें ना कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा आज़ाद मुल्क हमारा पाकिस्तान है ये? थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि ज़िल शाह की कुछ फुटेजेज आ रही हैं जहाँ पर पुलिस उस पर तशद्दुद कर रही है, फिर एक फुटेज आ रही है वो प्रिजन वैन में बैठा है जी, तो फिर डेड बॉडी आ जाती है, तो कोई डिटेल मिल सकी है कि पुलिस ने उठाया कैसे, और वो जो फुटेज मारने की है वो पहले की है या फिर वो गिरफ्तारी की पहले की है? देखिए जी, जब उसको गिरफ्तार किया गया, जब उसको पकड़ा है, उससे पहले उन्होंने उसको मारा है। अच्छा। जब गिरफ्तार किया तो उस वक्त उन्होंने उसको मारा था। ठीक है। जब प्रिजन वैन में बिठाया है तो उसने विक्ट्री का निशान बनाया है, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं। बिल्कुल। वो विक्ट्री का निशान बना रहा है। उसके बाद जिस वक्त वो लेकर गए हैं तो तीन इनके साथ दोस्त और थे, PTI के वर्कर्स थे, जिनको भी उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। एक का हाथ की दो उंगलियां टूटी हुई थी। अच्छा। वो कल रात को हमारे पास आए थे तो उनके पास बैंडेज वगैरह हुई हुई है। अच्छा। वो लोग, इसके दो पोर्शन हैं, वो अगले वाली साइड पर बैठा हुआ था ज़िल शाह, और ये लोग पीछे, ये पीछे बैठे हुए थे। वो तीनों बाहर निकल के भाग गए, वो अंदर रह गया। अच्छा। उसके बाद जब लेकर गया, ठीक ठाक आप बंदे को लेकर जा रहे हो, बाद में आप ड्रामा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ, झूठ बोलते हैं। एक्सीडेंट भी कैसे हुआ? हाँ सर, एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में कोई तकलीफ तो होती है, कोई नज़र तो आता है, कपड़े तो फटते हैं। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? उसकी टांगों पर कोई चोट के निशान नहीं है। हाँ, टांगों पर निशान है क्योंकि मैं अभी गुसल देकर आया हूँ, टांगों पर उसके निशान है। किस चीज़ के? बैंत के, डंडों के। अच्छा। डंडों के निशान है जहाँ पे उसके नील पड़े हुए हैं, तो कपड़े तो उसके कोई नहीं फटे हुए थे। फिर ये कैसे झूठ बोलते हैं कि ये सर उसका एक्सीडेंट हुआ? उसको तशद्दुद करके मारा गया है, और ये तशद्दुद, उसका खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा, उसका खून रायगा नहीं जाएगा। वो बड़े नेक दिन में जो सर ना उसकी शहादत हुई है, वो शहीद है, और उसकी शहादत कभी रायगा नहीं जाएगी। जब उसको मार रहे थे, उस पर जुल्म कर रहे थे, तो क्या उसके दिल से लोगों के लिए दुआएं निकल रही होंगी? कभी नहीं। उसके दिल से अंदर से बददुआएं निकल रही होंगी उन लोगों के लिए। उन लोगों से कहें, मेरा पैगाम उनको दें कि वो बददुआएं उनका पीछा करेंगी जब तक वो अपना असर नहीं कर देंगी, बददुआएं उनका पीछा नहीं कभी छोड़ेंगी। अच्छा, ये बताइएगा, जब वो गिरफ्तार हुआ है और फिर उसकी बॉडी मिली है, तो जब गिरफ्तार हुआ है तो आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची थी सर हमारे, या बॉडी मिलने के बाद ही पता चला?
साढ़े लोगों को साढ़े पाँच पौने छः बजे मैं यहीं से गुजरा हूँ बाइक पे, मेरा घर आगे है तो मैं यहीं से गुजरा हूँ। नॉर्मल था, कुछ नहीं था। मैं घर गया हूँ, मैंने जाके टीवी ऑन किया है तो टीवी पे स्लाइड चल रही थी कि पीटीआई के कारकुन एक हलाक हो गया। नाम जब पढ़ा तो नाम के अंदर अली बिलाल और ज़िले शाह, तो वही उस टाइम हमें शौक लगा कि ये कैसे हो गया। ना घर में किसी को पता है, ना मोहल्ले में किसी को पता है कि वो मर चुका है। मैं वहाँ से भागा हूँ, आया हूँ, आके मैंने घर देखा, घर में फिर सुकून है, कोई खबर नहीं है, कोई का चक्कर नहीं है। मोहल्ले के लोगों ने, जिनके पास वीडियोस आई हैं, उन्होंने फिर वीडियोस ला के दिखाई हैं कि भाई ये देखो ज़िले शाह को मार दिया गया है। फिर घर वालों को पता लगा है कि ज़िले शाह इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, आप तो नेबर हैं, आपको पता होगा कि जवाब दो कि खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ उसकी जो अटैचमेंट थी एक, वो कब से थी, कुछ है आईडिया? देखिए जी, पीटीआई के साथ उसकी अटैचमेंट जो है वो डे फर्स्ट से है, जब पीटीआई बनी थी। अच्छा। और जब इमरान खान साहब ने अपना पहला कन्वेंशन किया था तो उसके अंदर वो शख्स मौजूद था। अच्छा। और वो ऐसा बच्चा है, उस स्पेशल बच्चा है वो, उसको बाइक चलानी नहीं आती, उसको साइकिल चलानी नहीं आती। वो डेली सुबह इस चौक पे खड़ा होता था, यहाँ से लिफ्ट लेता था लोगों से। अच्छा। लिफ्ट लेके उसने एमयू कॉलेज तक जाना है, वहाँ से आगे से उसने फिर लिफ्ट लेनी है और उसे जमान पार्क तक जाना है। सम टाइम ऐसा हुआ है कि वो पैदल चला गया है वहाँ पे, उसको लिफ्ट किसी ने नहीं दी तो वो पैदल चला गया। वो जुनूनी था, बहुत मोहब्बत करता था, अकीदत करता था। उसके पास एक बुक है, अभी भी मौजूद है वो बुक। वो डेली 15-20 अखबार खरीदता लेता था, वो लेके उसमें इमरान खान की तस्वीरें जितनी थी उनकी कटिंग करता था। अच्छा। कटिंग करके तो वो उस कॉपी के अंदर पेस्ट करके लगा के अपने पास रखता रहा है। अच्छा। ये उसकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं। अपने घर की बालकनी पे सुबह डेली खड़े होके उसने पीटीआई के झंडे को उसने ऊपर लगाना है, अपने बाजुओं पे पीटीआई के झंडे बांधने, सर के ऊपर उसने पीटीआई का झंडा बांधना है, उसने दो नारे लगाने हैं। अच्छा। घर पे ही डेली, मतलब नारा क्या लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। और हमने जब भी कभी उसे कहा कि यार तू खान के पीछे इतना ना फिरा कर, एवं तेरे से कोई रफड़ ना हो जाए, तो हमेशा वो ये कहता था कि मैं खान का जियाला हूँ, मैं उसकी खातिर अपनी जान दे दूंगा। और कल उस बच्चे ने अपनी जान दे दी है। हमें सिर्फ उसका इंसाफ चाहिए, वो लोग कटहरे में चाहिए जिन लोगों ने उसको मारा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ, उनको कटहरे में लाएँ, उनको सजा दें, ताकि कल को कोई दोबारा किसी ज़िले शाह बना के उसको मार ना दिया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा।